तो गाइस ग्राफिक कार्ड की जो सिचुएशन है वो इंडिया में काफी टाइम से खराब चल रही है। पिछले 2-3 साल से हम लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस ग्राफिक कार्ड्स लेने पड़ रहे हैं, खामखा का खर्चा हो रहा है। कुछ लोग तो इतने सालों से वेट ही कर रहे हैं कि हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे तब जब ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो गाइस बात ऐसी है कि हम लोग काफी टाइम तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्लेम करते रहते हैं, ब्रांड्स को ब्लेम करते रहते हैं, रिटेलर्स को ब्लेम करते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा ओवर प्राइस ग्राफिक कार्ड बेच रहे हैं, माइनर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो लोग ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे प्राइस में ले रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। तो क्या ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया में ही है या इंडिया से बाहर भी, अगर आप यूएस मार्केट देखें या यूके मार्केट देखें तो वहां पर भी क्या सेम ही सिचुएशन है? मतलब वहां पर भी लोग माइनर्स को ब्लेम करते हैं, ऑब्वियसली हर जगह पर माइनर्स का बोलबाला चल रहा है, लोग महंगे ले रहे हैं तो बिकते भी महंगे हैं, बट प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस क्या इंडिया वाले ही हैं या इंडिया से सस्ते ग्राफिक कार्ड्स वहां पर बिक रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स कवर करी है हम लोगों ने, चाहे इंडिया की मार्केट की हो, चाहे यूएस की मार्केट की वेबसाइट्स हो या यूके की मार्केट की हो, इन सभी वेबसाइट्स को हमने कवर करा है आप लोग को एक बेटर आइडिया देने के लिए कि जो ग्राफिक कार्ड आप इंडिया में ले रहे हैं वो बाहर की मार्केट्स में कितने का बिक रहा है, टू जस्ट गिव एन आइडिया कि आप लोग कितना ओवर पे कर रहे हैं और जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया की मार्केट को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसी के साथ गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत सारे प्राइसेस और इन्फॉर्मेशन रहने वाले हैं गाइस इस वीडियो में। तो गाइस जस्ट टू बी क्लियर, हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ नहीं जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर एक ब्रांड के साथ वेरियस मॉडल्स आते हैं और हर मॉडल के अपने अपने प्राइसेस रहते हैं, तो ऐसे अगर हम हर एक मॉडल को कंपेयर करना शुरू कर दें तो शायद ये वीडियो को आपको 50-60 मिनट की हो जाएगी और इतना कौन ही देखता है। तो हम लोग बहुत ही बेसिक प्राइस रेंज के साथ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 3060 के साथ जा रहा है तो उसकी प्राइस रेंज क्या है यूएस यूके मार्केट में और इंडिया मार्केट में क्या है। तो ऐसे ही हम वेरियस कार्ड्स को कवर करेंगे तो जिससे कि आपको ये चीज समझना काफी आसान हो जाएगा कि आप लोग उन कार्ड्स के लिए कितना पे कर रहे हैं। एक ऑन एन एवरेज प्राइस की बात करें तो यूएस की बात करें तो उसमें हम bestbuy.com के साथ जा रहे हैं, newegg.com के साथ जा रहे हैं और amazon.com के साथ जा रहे हैं। तो ये तीनों ही वेबसाइट्स काफी ज्यादा फेमस हैं और यूएस में मेजॉरिटी ग्राफिक कार्ड्स अगर ऑनलाइन लिए जाते हैं तो वो इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू लिए जाते हैं। अगर मेरे फेलो यूट्यूबर्स को भी आप देखेंगे जो यूएस मार्केट को कवर करते हैं वो लोग भी ज्यादातर इन्हीं वेबसाइट्स का एग्जांपल देते हैं। इसी के साथ अगर बात करें गाइस यूके मार्केट की तो उसमें वी आर गोइंग विद द curries.co.uk, इसी के साथ technextday.co.uk और amazon.co.uk को हम लोग यूज कर रहे हैं टू जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ द यूके मार्केट के ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस ऑनलाइन वहां पर कितने के बिक रहे हैं। और इसके बाद बात करें इंडिया की तो इंडिया की मोस्ट फेमस वेबसाइट्स तो Amazon, MD Computers और Prime AVGB ही हैं जहां पर आपको अच्छे प्राइसेस पे ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो ऑफलाइन मार्केट के प्राइसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑफलाइन लेने की सोचते हैं वही ग्राफिक कार्ड्स तो वो कितने के मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स हम लोग NVIDIA के 3000 सीरीज के कार्ड्स को ही कवर करेंगे मोस्टली। तो अगर 3060 वाले कार्ड की बात करें तो उसमें वही ब्रांड्स MSI, ASUS या Gigabyte जैसे ब्रांड्स ही देखने को मिले। तो गाइस अगर बात करें यूएस मार्केट की तो उसमें अराउंड $800 का ये कार्ड देखने को मिला। अगर यूके मार्केट की बात करें तो ऑन एन एवरेज अराउंड £600 का 3060 देखने को मिला जो 12GB वेरिएंट है। और इंडिया मार्केट की बात करें तो ऑनलाइन अराउंड 68,000 का गाइस ये कार्ड बिक रहा है। ऑफलाइन की बात करें इंडिया में तो अराउंड 60,000 का भी हो सकता है आपको शायद ये कार्ड मिल जाए। इसी के साथ गाइस अगर आगे बढ़े तो बात आती है 3060 Ti की, तो वो इंडिया में तो काफी ज्यादा धड़ल्ले से बिकता है, बट अगर यूएस मार्केट की बात करें तो अराउंड $950 का उसका एवरेज प्राइस देखने को मिला इन सभी वेबसाइट्स पर। अगर यूके मार्केट की बात करें तो वही सेम 3060 Ti हमें अराउंड £680 का देखने को मिला, जो कि अगर इंडियन रुपीज की बात करें तो अराउंड 68,000 रुपीज का बनता है। बट अगर इंडियन मार्केट की बात करें कि इंडियन मार्केट में ये कितने का बिकता है तो अराउंड 78,000 to 80,000 रुपीज का आपको ये ऑनलाइन बिकता हुआ दिख जाएगा। ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 74,000 to 75,000 का आपको 3060 Ti आराम से मिल ही जाएगा। इसके अलावा गाइस बात करें 3070 की तो ब्रांड्स तो वही है, मोस्ट कॉमनली ASUS ही हमें देखने को मिला और MSI, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तो हमने क्यूमुलेटिव बनाया है इसका। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो अराउंड $1,000 इज द एवरेज अमाउंट जहां पर ये कोट हो रहा है। अगर इंडियन रुपीज की बात करें तो अराउंड 75,000 रुपए बनते हैं।
और अगर यूके मार्केट की बात करें तो अराउंड 800 पाउंड्स का ये ऑनलाइन मार्केट में बिक रहा है इन सब वेबसाइट्स पर, जो अराउंड 80,000 रुपए बनता है। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अराउंड 90,000 रुपए का आपको ऑनलाइन मार्केट से मिल जाएगा, चाहे एमडी कंप्यूटर्स ही क्यों ना हो। अगर ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो वही अराउंड सेम प्राइस ही है 3070 का, 88,000 to 90,000 रुपीज, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा ये करंटली। इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं थोड़े हाई एंड कार्ड्स की, मतलब जो कार्ड्स लाखों में खेले जाते हैं। तो वो सबसे पहले मैं बात कर लूं 3080 Ti की, तो वो वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल कार्ड्स है और स्टॉक में भी काफी कमी आता है, बट फिर भी हमें ऑनलाइन देखने को मिला बाहर की काफी सारी साइट्स पर कि ये कार्ड काफी बिक रहा है अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो। प्राइस की बात करें तो यूएस मार्केट में अराउंड $1,800 का ये बिक रहा है कार्ड, जिसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अराउंड 1,35,000 रुपए बनता है। इसके अलावा बात करें अगर यूके मार्केट की, तो यही कार्ड आपको अराउंड 1450 पाउंड्स का देखने को मिल जाएगा, जिसको अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 1,45,000 रुपए होता है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें इंडियन मार्केट की, तो 3080 Ti आपको मोस्टली Asus या Gigabyte जैसे ब्रांड्स में देखने को मिलेगा, Inno3D में भी मिल सकता है आपको ये। प्राइस की बात करें तो अराउंड 1,35,000 रुपए का आपको ऑनलाइन कोट होता दिख जाएगा ये, बट अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो सेम कार्ड आपको अराउंड 1,60,000 के करीब मिल जाना चाहिए। तो गाइस ये तो बात होगी कुछ हाई एंड कार्ड्स की जो लेटेस्ट एनवीडिया की तरफ से लॉन्च हुए थे और ज्यादातर वही बिकते हैं। बट हालांकि अगर बात करें मिड रेंज या लो एंड कार्ड्स की, तो मुझे लगता है कि बाहर की मार्केट में शायद वो इतने नहीं बिकते हैं। अगर बात करें 1650 जैसे कार्ड्स की, या 1660 Ti, 1660 जैसे, या 2060 जैसे कार्ड्स की, तो हमें इनके प्राइजेस ढूंढने में भी काफी ज्यादा टाइम लग गया ऑनलाइन। बाहर तो कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो मिलते ही नहीं है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो GTX 650 जैसा कार्ड आपको अराउंड 25,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा, वहीं अगर इसी कार्ड को आप यूएस में लेने जाएंगे तो अराउंड $150 to $200 के करीब मिलेगा। वही कार्ड आपको यूके में अराउंड 150 to 200 पाउंड्स का देखने को मिलेगा, जो अराउंड 15,000 to 20,000 रुपए के करीब माना जाता है। इसी के साथ अगर बात करें 1660 Ti की, तो इंडिया में अराउंड वो आपको 48,000 करीब देखने को मिलेगा, बट अगर यूएस की बात करें तो वही कार्ड आपको अराउंड $250 का, और अगर यूके की बात करें तो अराउंड 300 पाउंड्स का देखने को मिल जाएगा, जो अगर बना के आप कैलकुलेट भी करेंगे इंडियन रुपीज में तो 25,000 to 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं बनता। तो गाइस इस वीडियो से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अगर लो एंड कार्ड्स की बात करें तो परसेंट टू प्राइस रेशियो, मतलब कि कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज है, तो लो एंड कार्ड्स का काफी ज्यादा है। एक 20,000 के कार्ड में अगर 5,000 to 7,000 रुपए का अंतर आ रहा है तो काफी बड़ा माना जाता है। बट अगर हाई एंड कार्ड्स की बात करें, 3060 जैसा कार्ड तो काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देता है बाहर के प्राइजेस को, इनफैक्ट कुछ कुछ सिनेरियोस में तो सस्ता भी मिल जाएगा आपको इंडिया में। बट अगर वही बात करें अगर हाई एंड कार्ड्स की, तो 3080 Ti जैसे कार्ड्स में 15,000 to 20,000 रुपए का अंतर आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, जो कि लगता है कि इज अ बिग अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अगर आप एक गेमर हैं, आपका बजट टाइट है, तो आपके लिए 15,000 to 20,000 रुपए भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हालांकि ये वो प्राइस डिफरेंसेस हैं जो आपके इंपोर्ट ड्यूटीज और GSTs में भी आप मान सकते हैं कि लग ही जाते होंगे। तो इस वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि सब कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स के हाथ में ना हो, कभी कभार कंट्री की पॉलिसीज, प्राइसिंग, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन चीजों को फोर्स करती हैं प्रोडक्ट को महंगा होने के लिए। तो आई होप गाइस आप सबको आइडिया हो ही चुका होगा कि यूएस और यूके मार्केट से इंडिया कुछ ज्यादा भी पीछे नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत एग्जॉर्बिडेंटली ट्वाइस थ्राइस ऑफ प्राइस पे करना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड के लिए। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी ऑन द राइट स्पॉट, आपको एक अच्छी जगह से लेना है। तो एट दिस नोट गाइज आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने काफी सारे डाउट्स और जितने भी लोगों को वो होंगे कि यूएस मार्केट यूके मार्केट सस्ती है इंडिया महंगा है, वो सब डाउट्स तो क्लियर कर ही दिए होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, यू आर वॉचिंग जेट लैब टेक टिप्स, मैं हूं रजत द्विवेदी, मिलते हैं अगले वीडियो।